हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करेंगे और निवास प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे। सबसे पहले चीज कि आप निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है और उसमें फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की साइज क्या होनी चाहिए, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ और मैं इस वीडियो में ये सभी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेना होगा, उसके बाद कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे चेक मार्क पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार में नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पे एक OTP चली जाती है। उस OTP को आपने यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए, यहाँ पे OTP को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट क्या, आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अब यहाँ पे जो भी गांव मोहल्ला आपका है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी तहसील है उस तहसील को आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप तहसील को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे थाना शो करता है, उस थाना को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जब थाना को आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका गाँव है वो गाँव आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, उस गाँव को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सभी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण सेवायोजन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो जो है उसको आपने यहाँ पे आधार से ही सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से फोटो को भी मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अदर दस्तावेज हैं अन्य पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो भी आप आधार अपलोड करना चाहते हैं तो आधार पे आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप चूज़ कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आपने यहाँ पे फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा शो कर रहा है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको दर्ज करना होता है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ दर्ज करें ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सभी प्रक्रिया आपने बिल्कुल टोटली कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि दर्ज करें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे वापस जाएं पे आप भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद दर्ज करें पे आप क्लिक करेंगे, पिन जो भी आपने सेट किया होगा उस पिन को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पे वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिडक्शंस हैं, इसका डिडक्शन सक्सेसफुली डन हो गया है। यहाँ पे प्रोसीड फॉरवर्ड अप्रूवल अथॉरिटी को आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ